बलरामपुर में आरटीओ देवी पाटन मंडल के तत्वावधान में उप संभागीय अधिकारी कार्यालय बलरामपुर में वाहनों की नीलामी की गई। विगत कई वर्षों से नगर कोतवाली देहात, थाना कोतवाली सादुल्लाह नगर, थाना कोतवाली तुलसीपुर, थाना कोतवाली नगर, थाना कोतवाली उतरौला आदि स्थानों पर खड़े पड़े वाहनों की नीलामी की गई। आरटीओ द्वारा बताया गया, कुल 16 वाहनों की नीलामी की गई है। 16 वाहनों में एक बस शामिल थी जो कि कार्यालय परिसर में खड़ी नजर नहीं आई। इस बस को विवादित बताकर बस की नीलामी को स्थगित कर दिया गया है। प्रकरण की जांच कर लिया जाएगा और उसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो प्रचलित की जाएगी। और सर, जो आज बस की नीलामी नहीं हो पाई है, इसका क्या कारण है? एक उसका प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसकी वजह से उसको रोक दिया गया। और ये अगर ऐसा प्रकरण मान लीजिए था भी, तो पेपर में आउट क्यों किया गया बस को? पेपर चूंकि प्रकाशन उसका होता है 21 दिन पहले जी, तो 21 दिन तक वो मामला प्रकरण में नहीं, संज्ञान में नहीं आया था जी। ऐसी दशा में वो जब संज्ञान में आ जाता है, जो नियमा विधि द्वारा व्यवस्था है उसके तहत वो रोका गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।